बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेरो किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे जामा मस्जिद का फेमस मोहब्बत का शरबत। मोहब्बत का ये गर्मियों में बहुत पिया जाता है। ऐसे तो हर एक डिश में हम मोहब्बत डाल के बनाते हैं, पर इसमें कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत डाल रहे हैं। मोहब्बत वाला शरबत चलिए बनाते हैं। चूल्हा गर्म कर लिए, इसी में दूध डाल देंगे। ये दूध मैंने 1.25 किलो लियो। पकाना एक बाल आए तक शक्कर डाल के, और शक्कर हम थोड़ी कम डालेंगे क्योंकि इसमें रू अफ़ज़ा भी आएगा ना, तो इसका मिठास लेवल आ जाएगा, इसलिए शक्कर हम एक कटोरी डाल रहे हैं। आप मिठास अपने हिसाब से कर सकते कम ज़्यादा। हमने तरबूज लिए थे, कम से कम आधे से भी आधा लिए थे, और इसे छोटे पीस में हमने कट कर लिए हैंगे। और ये रू अफ़ज़ा है, रू अफ़ज़ा की मैंने एक छोटी प्याली ली हूँ। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैंगे। ये देखो हमने अच्छे से दूध को पका लिए हैंगे, कम से कम 4-5 बार उबाल भी आ गया, अच्छे से पक गया है दूध। अब इसे हम ठंडा होने के लिए बड़े तपेले में निकालेंगे। हमारा दूध अच्छे से ठंडा हो गया है, अब इसी में हम बर्फ डालेंगे। अब इसी में हम रूह अफ़ज़ा डालेंगे। इसे अच्छे से हमें मिला लेना है, रूह अफ़ज़ा डाल के भी। ये जो कटे हुए रखे थे ना तरबूज के पीस, ये हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत मोहब्बत से हम शरबत बना रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बच्चे भी और बड़े भी बहुत ही प्यार से पियेंगे। चलिए अब सर्व करते हैं। ये देखिए हमारा मोहब्बत का शरबत बन के तैयार है। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के लिए शेरो किचन को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।